तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं। वैसे उनकी इस विदेश यात्रा को लेकर पूरी चर्चा यूक्रेन पर फोकस्ड है। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी जब पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे तो 20 घंटे के सफर के बाद वो ज़ेलेंस्की के शहर कीव पहुंचेंगे। अगले 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कुछ हो सकता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यूरोप की जिस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है। ये है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक मैसेज है, युद्ध को रुकना ही चाहिए। दुनिया इस युद्ध को लेकर चाहे दो ध्रुवों में बटी हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष भारत के तराजू में युद्ध की कोई जगह नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी यूरोप पहुंचकर जो धर्म कांटा दिखाया है, उसकी सुई युद्ध पर नहीं रुकेगी, उसकी सुई सिर्फ और सिर्फ शांति पर रुकेगी। यही भारत का मैसेज है। अब पोलैंड से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे क्या मैसेज है? पोलैंड नेटो का एक मजबूत सदस्य है। नेटो में अमेरिका और तुर्की के बाद पोलैंड की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर अहम बना देती है। वर्ल्ड मैप पर यह है पोलैंड। यहां पर नेटो के 5000 सैनिक वॉर रेडी वाले मोड में हैं। यहां है यूक्रेन। यहीं पर फरवरी 2022 से पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। और यहां है रूस। यूक्रेन से लगे रूस के कुर्स्क में इस वक्त ज़ेलेंस्की की फौज बड़ा युद्ध कर रही है। यानी ये पूर्वी यूरोप का इलाका इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि भड़कता जा रहा है। ऐसे हर एक हमले पर युद्ध ना रुकने की मोहर लगी हुई है, लेकिन इसी जंग को रोकना एक चुनौती भी है, जिसमें अमेरिका से लेकर तुर्की और चीन से लेकर ब्रिटेन तक हर ताकत इस युद्ध को रोकने में न सिर्फ फ्लॉप साबित हुई है, बल्कि इन्होंने तो इस युद्ध में पेट्रोल डालने का काम किया है। सवाल है कि भारत क्या असर कर सकता है? पोलैंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होगी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में भारत की छवि एक गुटनिरपेक्ष देश की रही है। भारत रूस के करीब ज्यादा रहा है, लेकिन यूक्रेन से भी भारत के मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। भारत ने अब पोलैंड में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो यहां से यूक्रेन की कैपिटल कीव 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन दौरे के पहले पड़ाव पर ही भारत बताना चाहता है कि 700 किलोमीटर दूरी से ही वो अपना मैसेज 7000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना जानता है। जी हां, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से दूरी 7000 किलोमीटर है। और अब भारत बता रहा है कि दुनिया की सबसे हॉट लोकेशन का हल डिप्लोमेसी से ही निकाला जा सकता है। मोदी का ये मैसेज सीधे व्हाइट हाउस के लिए है। इस वक्त यूक्रेन की सेनाएं रूस के कुर्स्क में युद्ध लड़ रही हैं। पहले जिस जमीन से रूस यूक्रेन पर हमले लॉन्च कर रहा था, अब उसी जमीन को पुतिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध ओवरफ्लो कर चुका है, युद्ध अब अपना दायरा पार कर रहा है। अगर ये यूक्रेन और रूस की सीमा लांग सकता है, तो ये पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक रुका रहेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? इसीलिए जब शांति की जरूरत है, तो युद्ध के तराजू की सुई युद्ध पर नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि कोई तो ऐसा हो जो साबित करे कि जंग के मुकाबले शांति का वजन ज्यादा है। दो ध्रुवों यानी यूक्रेन और रूस के बीच बटी दुनिया को इस वक्त भारत जैसे गुटनिरपेक्ष तराजू की जरूरत है। भारत का धर्म कांटा दुनिया को ये गुंजाइश देता है कि यहाँ सुई सिर्फ शांति पर रुकेगी, युद्ध पर नहीं। प्रधानमंत्री का पूर्वी यूरोप का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नेटो और रूस आमने सामने हैं। यूक्रेन ने जब से रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया है, यूरोप और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि कुर्स्क में नेटो की सेनाएं लड़ रही हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए
बड़े खतरे का सिग्नल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे, तब दुनिया भर के कैमरे उनकी और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें वायरल करेंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकात में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक करीबन 2000 सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस जेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे।